नमस्कार एक भेड़िए की बात याद आती है जो एक चट्टान पर निवास करता था पहाड़ की चट्टान एक समय ऐसा हुआ कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई लगातार पिघलती गई फल यह हुआ कि उसकी चट्टान के चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी भेड़िया बाहर निकला आगे बढ़ने का कोई रास्ता उसको नहीं दिखाई दे रहा था क्या करता शिकार पे नहीं जा सकता अचानक उसने अपने मन को दिलासा दी ओह चलो एक अच्छा मौका मिला है अब मैं आज उपवास करता हूँ आज का दिन काफ़ी पवित्र साबित होगा मैं उपवास करूँगा हिंसा नहीं करूँगा किसी जानवर को मार के नहीं खाऊँगा और उसने अपने मन को इस दिलासा के साथ शांत कर दिया आंखें बंद कर लीं थोड़ी देर के बाद उसे कुछ हलचल सुनाई दी उसने आंखें खोली, तो देखा कि पानी में उछल कूद करती हुई एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे कूदती हुई एक बकरी चली आ रही है और अब क्या था भेड़िए की आंखें चमक गईं वो भूल गया कि उसने आज क्या निर्णय किया था उसने कहा ये रहा मेरा शिकार खुद ही आ रहा है और उसने उस छलांगे मारती कुलाचे भरती बकरी पर झपट्टा मारा संयोग की बात थी वह उसे नहीं पकड़ पाया उसने फिर झपट्टा मारा फिर नहीं पकड़ पाया तीसरी बार उसने झपट्टा मारा लेकिन बकरी ने जोर की छलांग मारी और उसकी पहुँच से दूर चली गई भेड़िया आगे नहीं जा सकता था उसने तुरंत फिर एक आह भरी फिर मन को दिलासा दी और कहा ओह आज तो मुझे उपवास करना था अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ आज का दिन पवित्र ही रहेगा और उसने फिर आंखें बंद कर ली साथियों इस तरह के भक्ति भाव, इस तरह के पुण्यात्मा हमारे अंदर से बीच बीच में झांकती है किंतु हमारा मन और प्राण किस हद तक उसे स्वीकारता है ये हमारी परीक्षा है क्या वह भेड़िया सचमुच में उपवासी था क्या वह सच में दिन को पवित्र बनाने की अभीप्सा रखता था नहीं परिस्थितिवश हमारे अंदर से ये सद्भाव आते हैं मानसिक स्तर पे कहीं ना कहीं वो दबाए हुए आकांक्षाओं का फल होते हैं हमारी आकांक्षाएं हम दबा देते हैं उनको जीत पाना असली विजय होती है जिसके लिए साहस चाहिए जिसके लिए प्रार्थना चाहिए और प्रार्थना के लिए विनम्रता चाहिए आज हमने ये तय किया था कि हम विनम्रता पर बात करेंगे भेड़िए का चरित्र छली कपटी है वह किसी और से नहीं खुद अपने आप से कपट कर रहा है काश कि वो सचमुच उपवास का महत्व समझता लेकिन नहीं उसने स्वयं कोई धोखा दिया ऐसे ही विनम्रता एक इतना महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने सबसे कठिन शत्रु अहंकार से बचा लेता है इस अहंकार से बचने के लिए विनम्रता या विनम्रता को पाकर अपने आप अहंकार से हमारी सुरक्षा ये दोनों ही तत्व ऐसे हैं कि हम जिसे चाहें अपना लें श्री कहती थी ये सारी सृष्टि याद रखो ये सारी सृष्टि ईश्वर ने अपने अंदरूनी शक्तियों के द्वारा अपनी अंदरूनी गुणवत्ताओं के द्वारा तैयार की है इसका मतलब इस सृष्टि में ईश्वरीय तत्व ईश्वरीय शक्तियाँ हैं लेकिन आश्चर्य है या विडम्बना है या एक दुखद सच्चाई है कि सब कुछ हुआ मनुष्य की अचेतनता के साथ इस प्रकृति की इस जड़ तत्व की अचेतन अवस्था में ईश्वरीय तत्वों के द्वारा चेतना का प्रसार चेतना की उत्पत्ति अर्थात जो कुछ है वो ईश्वर है जो कुछ है ईश्वर द्वारा है जो कुछ है ईश्वर के लिए है अगर इस सत्य को हम स्वीकारते हैं तो अपने आप साबित हो जाता है कि हम कुछ नहीं स्वयं को कुछ न मानना किंतु ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखना हमारे अंदर अपने आप एक विनम्रता उत्पन्न कर देता है श्रीमा कहती हैं विनम्रता सरलता का प्रतिरूप है सच्ची आध्यात्मिकता परम सरलता है स्वभाव की सरलता स्वभाव की विनम्रता हमें अहंकार से बचाती है लेकिन वह विनम्रता सच्ची होनी चाहिए अपने को छल कर अपने द्वारा कपट को अपनाकर विनम्रता का रूप प्रदर्शित करना स्वयं को विनम्र साबित करना दूसरों की आँखों में अपने को विनम्र बनाना यह सच्ची विनम्रता नहीं है श्रीमा ने यह भी कहा जब मैं विनम्रता की बात करती हूँ तो हमेशा उसे गलत समझा जाता है लोग दूसरों के प्रति विनम्र होना विनम्रता कहते हैं ये दूसरे हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए क्योंकि पूरी सृष्टि पूरा मानव जगत अपने आप में कुछ नहीं है वह सब कुछ ईश्वर के द्वारा बना है यानी मूल स्रोत जो ईश्वर है उसके सामने जब हम कुछ हैं ही नहीं तो अहंकार किस बात का एक मटके से किसी ने पूछा भाई तू इतना शीतल है जब तेरे अंदर पानी भरा जाता है तो उस पानी को भी तू शीतल बना देता है इतनी गर्मी में तुझे रखा जाता है लेकिन तू और तेरा पानी इतना शीतल इतना ठंडा कैसे रहता है मटके ने कहा अरे भाई मेरा अतीत माटी मेरा वर्तमान माटी और मेरा अंत मेरा भविष्य भी माटी तो मैं गर्मी किस बात की करूं कुछ ऐसा ही हम मनुष्यों को भी स्मरण रखना चाहिए सच्ची विनम्रता अपने अस्तित्व को ईश्वर से जोड़े रखना स्वयं को ईश्वर की संतान मानना एक सरल बच्चे की तरह से ईश्वर के साथ जुड़े रहना अपनी किसी सफलता पर अहंकार न करना खुश होकर स्वयं को कुछ बड़ा मानने लगना ये सब विनम्रता के विपरीत गुण हैं पर सच्ची विनम्रता की जब बात आती है तो विनम्रता कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी हम कुछ नहीं हैं करके अपने को हथ भागा दुर्भाग्यशाली अभागा तुच्छ किसी काम का नहीं नगण्य मानना क्या ये विनम्रता है नहीं ये भी विनम्रता का एक विकृत रूप है क्योंकि हम कुछ हैं ही नहीं तो हम बहुत बड़े भी नहीं हैं तो छोटे कैसे हो गए हम बहुत गुणी हैं बड़े ज्ञानी हैं बड़े विद्वान हैं या फिर हम बड़े तुच्छ हैं बड़े अज्ञानी बड़े अभागे हतभागी ये भी कैसे हैं बलशाली हनुमान की विनम्रता जगत प्रसिद्ध है उनके जैसा बल किसी में नहीं था लेकिन जब अपना परिचय देने हुआ तो उनके पास और कोई शब्द नहीं थे कि मैं श्री राम का दूत हूँ और उसके बाद उनका बल श्री राम का बल उनका व्यवहार श्री राम का व्यवहार सारे गुणों को लेते हुए सारी शक्तियों को सारी सामर्थ्य को अपने आप में समेटे हुए अपना परिचय दिया श्री राम का दूत तो जहाँ हम अपने अहंकार से ग्रस्त हो भी रहे हैं क्या हम उस अहंकार को ईश्वर से नहीं जोड़ सकते वो अहम भाव भी अगर ईश्वर का बन जाए तो वो अहम वो अहंकार हानिकारक नहीं बल्कि हमारे लिए विकास की सीढ़ी बन जाता है ऐसे में सब कुछ ईश्वर का मानना अपने आप को सिवा इसके कि हम ईश्वर के हैं और कुछ नहीं सोचना शायद ये विनम्रता है यही विनम्रता ईश्वर से जब बहुत जोड़ देती है बहुत घनिष्ठ कर देती है अटूट रिश्ता बना देती है तो उसमें एक प्रेम आ जाता है सरल प्रेम फिर हम और ईश्वर इतने अभिन्न हो जाते हैं कि वहाँ मानसिक द्वंद्वों की मानसिक दुविधाओं की मानसिक शंकाओं की कोई जगह नहीं बचती इसीलिए शायद माँ कहती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता परम सरलता है शबरी का चरित्र प्रेम की सरलता का अद्भुत उदाहरण है वो इस कदर श्री राम के प्रेम में डूबी हुई थी कि उनके स्वागत के लिए वर्षों से प्रतीक्षारत थी उसने श्री राम के लिए चुन चुनकर बेर रखे थे एक भी बेर उसके राम को खट्टा न मिल जाए इसकी पूरी सावधानी रखते हुए वह हर बेर को चखती थी खट्टे हो तो फेंक देती थी मीठे को रख लेती थी उसके मन ने एक मिनट के लिए भी इस संदेह को इस दुविधा को नहीं आने दिया कि श्री राम श्री राम हैं उन्हें मैं झूठे बेर कैसे दूँ उसके प्रेम की सरलता तो बस इतना जानती थी कि उसके राम को सबसे अच्छे सबसे मीठे बेर मिलने चाहिए ये सरलता अपने आप हमारे पूरे अस्तित्व को विनम्रता से भर देती है क्योंकि सामने राम ही दिख रहे हैं उसे जब हमें श्री राम या अपना भगवान दिखे और उसके आगे अपना मन अपना प्राण अपना शरीर हम सब कुछ भूल जाए तभी हमारा अस्तित्व विनम्र होता है सांसारिक जीवन हो दैनिक चर्या हो या ईश्वर स्मरण का आध्यात्मिक कदम जिसे हम समझते हैं हर एक चीज़ में यह सरलता या विनम्रता आवश्यक है क्योंकि हम सभी जानते हैं श्री अरविंद पूर्ण योग की बात करते हैं पूर्ण योग का मतलब ही है कि हमारे हर अस्तित्व का हमारे अस्तित्व की हर सत्ता का संपूर्ण सहयोग हो तो मन प्राण और शरीर तीनों को विनम्रता की शिक्षा देना उन्हें प्रशिक्षित करना और तद अनुसार अपने कदम को आगे बढ़ाना अपने प्रयास करना तभी हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो योग का पथ है और ईश्वर की तरफ जाने के लिए विनम्रता इतना महत्वपूर्ण गुण है जिसका अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करना होगा हम उदाहरण ले सकते हैं न्यूटन का इतना बड़ा वैज्ञानिक इतना अध्ययन किया प्राकृतिक शक्तियों के बारे में उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं था उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं था एक महिला ने न्यूटन की तारीफ की वह उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित थी वह निरंतर उनकी सराहना किए जा रही थी वे कितने ज्ञानी हैं उन्होंने कितनी अद्भुत खोजें की हैं न्यूटन चुपचाप सुन रहे थे फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा किंतु अभी तो मुझे बहुत कुछ जानना है मैं तो ज्ञान के सागर के तट पर बैठा हूँ उसमें जो छुपा ज्ञान है उसके सामने तो मैं अभी बहुत छोटा सा नन्हा सा ज्ञान पा सका हूँ ऐसे व्यवहार ऐसी धारणाएँ ऐसे विचार हमें निरंतर एहसास कराते हैं कि हमने अभी तक वह नहीं किया है जो हमें करना है या जो कुछ हम कर चुके हैं वो जो करना है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है सच्चा विकास करना है चाहे वो जिस रास्ते पर हो उसके लिए यह विनम्रता बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सचमुच बेहतरी का तो कोई अंत नहीं श्रीमा एक जापानी कलाकार की बात बताती थी जिन्हें फूलों की सजावट में विशेष कौशल प्राप्त था एक बार की बात है उसे किसी बड़े व्यक्ति ने अपने घर बुलाया और कहा तुम्हें इस गुलदान में फूल सजाने हैं उन्होंने एक थाली में सुंदर सुंदर फूल कैंची, रिबन आदि जितनी भी ज़रूरतें उसे पड़ेंगी उस हिसाब से कुछ वस्तुएं रख दी जापानी ने उनके घर को देखा उस गुलदान को देखा और फूलों को देखा कहा यह इतना सुंदर गुलदान है इसके योग्य गुलदस्ता बनाना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा मालिक ने कहा अवश्य होगा तुम आरंभ करो कह के वो चले गए अब वो कलाकार बैठ गया फूलों को उठाता था काटता था छांटता था फूल को इकट्ठा करके उसने गुलदस्ता बनाया जिसे गुलदान में रखना है जब उसने उसमें रखा तो उसके मन में लगा अभी ये और सुंदर हो सकता है उसने फिर खोला फिर उन्हें व्यवस्थित किया और करते करते एक जगह आके उसने रख दिया मालिक आए उन्होंने बहुत ही प्रशंसा भरी आँखों से उसे देखा और कहा यह तो अद्भुत है बहुत सुंदर है लेकिन उस कलाकार ने मुस्कुरा के आँखें झुका लीं कहा सुंदरता असीमित है मैं नहीं कह सकता कि मैंने सर्वोत्तम काम किया है इस प्लेट में आपकी कैंची अभी भी रखी हुई है ताकि अगर कोई मुझसे बेहतर कलाकार मिले तो आप इसमें काट छाँट करवा सकते हैं अपने कार्य की सराहना सुनकर प्रशंसा देखकर खुद भी देखा कि कितना सुंदर है बावजूद उसकी विनम्रता थी जो वो सोच रहा था कि आवश्यक नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार हूँ इससे बेहतर भी हो सकता है कहीं न कहीं उसके अंदर के उस ईश्वरीय तत्व के कारण उसे इतना विनम्र बना रहा था कि वो जानता है कि सौंदर्य ईश्वरीय चीज़ है और ईश्वर से सुंदर कुछ नहीं ईश्वर से सच कुछ नहीं ईश्वर से प्रकाशवान ज्ञानवान कुछ नहीं और जब हमें ये पता चलता है कि जो कुछ हमने पाया है जो कुछ हमने किया है वह बहुत कम है तो हमसे हमारा अहंकार चिपक नहीं पाता हम उससे काफ़ी दूर रहते हैं और ऐसे में अपने आप विनम्रता हमारे अंदर बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है और विनम्रता ये एहसास कराती है कि हम कुछ नहीं हैं हम कुछ नहीं हैं मतलब जिसने हमें बनाया है वो ही सब कुछ है और हम जानते हैं कि वो और कोई नहीं ईश्वर है तो ईश्वर के प्रति अगर ये विनम्रता बनी रहती है तो हम निरंतर प्रगति के पथ पर योग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं